अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सोफरा में मुझे डाकन मौजूद होकर आज मैं आपको आल्टर स्विच लगाने का तरीका बताऊंगा। तो इसमें आप स्विच का काम भी यूज़ होता है और ये हैंडल लॉक का काम भी करता है, इसे आल्टर स्विच कहते हैं। तो चलें, सबसे पहले आपने ये अब हम इस पे नट लगाएंगे। पहले आपने हाथ से लगाना है, उसके बाद इसको पेचकस की मदद से टाइट कर देना। ये दो नट होते हैं। हैंडल को दूसरी तरफ उतार के ये पेच, दूसरा पेच लगाना है। पेच कास की मदद से आपने ये इसके नट टाइट कर लेने हैं। बास में हल्की लगी होती है, आपने हल्की से टाइट कर लेना है। और वायर को हेडलाइट की हानि में प्लेस कर देना। ये पुराना चाबी स्विच है, इसकी जो वायर जहाँ जहाँ पे लगी हैं दसे उतार के नए चाबी स्विच की वायर लगाने, ये आसान तरीका है। कलर वाइज सेम मैचिंग होगी और ये तारें उतार देनी है। ब्लैक वायर की जो वायर है ये बैटरी से आती है, ये ब्लैक वायर है। तो इसमें ये स्विच की ब्लैक है और ये इधर ब्लैक वायर से लगेगी और ये एक ग्रीन और वाइट वायर है, इसके साथ लगेगी। उसके बाद ये ब्लैक और सफ़ेद वायर है, ये बहुत ज़रूरी तार है। अगर हम इसको इसके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी बाइक चाबी के साथ बंद नहीं होगी और बगैर चाबी के भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये रेड के साथ रेड और ग्रीन के साथ ग्रीन लगा देंगे। तो ये थे कनेक्शन। और ये चाबी स्विच लग गया, ये देखें इस तरफ ये ऑन होता है। जब ऑन करेंगे चाबी निकलेगी, ये बंद हो गया। और इसको ऐसे पुश करके ऐसे करेंगे, हैंडल लॉक लग गया और चाबी बाहर। ऑफ पे भी चाबी बाहर आ जाती है और ये देखें ये ऑन हो गया।
ठीक है ठीक है। और ये मीटर भी ग्लो कर रहा है, ये बंद।